जैसे कि लकवा मारता है, पैरालिसिस मारता है, हमने जैसे यहाँ पे देखा कि अगर वो अगर 2-3 दिन के अंदर यहाँ ले आते हैं तो 7 दिन में वो आदमी को अपने खड़ा करके ले जाएंगे। यहाँ का चमत्कार ये है। व्हील चेयर से मैं पांव पे आ गई और पांव से चलती हूँ स्टिक लेके से चतुर्दास जी महाराज पे कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँगी। पहले दिन से आज के दिन मेरे पहले बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती थी, कमर भी बहुत वाइब्रेट होती थी और उसमें वेट बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और मैं इजीली चल के आया हूँ यहाँ पे। आप खड़ा हुई है? पहले नहीं होता है चतुर्दास महाराज। राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही स्वागत है आप सभी का पूज्य श्री चतुर्दास जी महाराज के मंदिर में, या हम कहें विज्ञान को चुनौती देते विश्व प्रसिद्ध पुटाटी धाम में, जहां पर बिना किसी डॉक्टर के पैरालिसिस का इलाज होता है, वो भी सिर्फ आस्था के बल पर। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के कुछ नियमों का पालन करके आप पैरालिसिस जैसे घातक बीमारियों का यहाँ इलाज होता है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस तरह के मरीज यहाँ पर आए दिन ठीक होकर जाते रहते हैं। हम व आप जैसे बहुत लोग इसे अंधविश्वास मानेंगे, हमें भी यही लगा, लेकिन यकीन मानिए जब हमने मंदिर के 7 दिनों के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर आए कुछ पेशेंट को फॉलो किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। हमें यहाँ आस्था व विश्वास की ताकत दिखी, साथ ही अपनों के लिए पैरालिसिस जैसे भयंकर बीमारियों के सामने संघर्ष करते लोग नजर आए। तब हमने भी ये माना ये अंधविश्वास नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास का पवित्र स्थान है जहाँ चमत्कार रोज होते हैं। आपकी प्रथम दिन स्थिति जो भी हो, 7वें दिन आप एक बेहतर स्थिति में जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने 7 दिनों के कवरेज में मैंने मेरे फादर जिन्हें पैरालिसिस स्ट्रोक आया था उन्हें भी यहाँ के नियमों के अंतर्गत ऑब्जर्व किया गया, और यकीन मानिए उनकी स्थिति हमें बुटाटी धाम के प्रति अपनी आस्था को मजबूती प्रदान करती है। और बात सिर्फ मेरे फादर तक सीमित नहीं थी, हम जिन पेशेंट पर नज़र बनाए हुए थे वहाँ से भी हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही आया। अपने 7 दिनों के बुटाटी धाम के अनुभव को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसकी शुरुआत हम पूज्य श्री चतुर्दास जी की संध्या आरती के संपूर्ण दर्शन के साथ करते हैं। यह आरती काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे आपको संपूर्ण दर्शन करना चाहिए, साथ ही वीडियो के अगले भाग में हम आपको बुटाटी धाम की संपूर्ण जानकारी देते हुए कुछ तथ्यों को सामने रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा।
तो ये हमने आपको बुटाटी धाम की संध्या आरती के दर्शन कराए, जो बुटाटी धाम के 7 दिनों के नियमों में अहम भूमिका रखती है। साथ ही अपने आने वाले भाग 2 में हम आपको बुटाटी धाम की संपूर्ण जानकारी देंगे। और ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यकीन मानिए बुटाटी धाम की संपूर्ण 3 भागों की सीरीज़ कई लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और अंत में बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जल्द ही दोबारा मिलते हैं।